लगातार हमारे कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि इग्नू फरवरी परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा कमेंट करके यह पूछे जा रहे हैं कि यदि किसी कारणवश फरवरी 2021 का परीक्षा अगर नहीं दे पाया तो मेरे साथ क्या होगा? क्या हम फेल हो जाएंगे? हमारा रिजल्ट रुक जाएगा? हमारा मार्कशीट नहीं आएगा? हमारे साथ क्या होगा? तो यदि आप भी फरवरी का परीक्षा किसी भी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देने का सोच रहे हैं और नहीं देने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपके पास टाइम है और यदि आपका तैयारी ज़बरदस्त है तो आप फरवरी 2021 में परीक्षा ज़रूर दें, और अपने जो भी पेपर हो, चाहे बैक पेपर हो, चाहे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी प्रकार कोई भी पेपर हो, जरूर से ज़रूर दे के क्लियर कर दे। लेकिन फिर भी अगर कोई रीज़न हो जाता है, कोई कारण हो जाता है जिसके कारण आप फरवरी 2021 में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते, चाहे एक सब्जेक्ट हो, चाहे दो सब्जेक्ट हो, चाहे सारे के सारे सब्जेक्ट में सम्मिलित नहीं हो पाते, तो चिंता करने की बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप सम्मिलित नहीं होना चाहते मत होइए, लेकिन दोबारा हमें कब मौका मिलेगा यह सबसे खास और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है जो स्टूडेंट को सता रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी का पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे यदि आप फरवरी 2021 का परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो आपके साथ क्या घटना घट सकती। सिंपल सा आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जब भी आपका मार्कशीट आएगा, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में बताना चाहेंगे आपका जो है इस प्रकार से जो है नॉट कम्प्लीट करके आएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ परीक्षा में यहाँ पर नॉट कम्प्लीटेड, यहाँ पर नॉट कम्प्लीटेड, इस प्रकार से आपका जो है रिजल्ट में आ जाएंगे नॉट कम्प्लीटेड करके, इस प्रकार से नॉट कम्प्लीट आएंगे। बाकी कुछ नहीं होंगे, बस आपका जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे या पीजी के स्टूडेंट होंगे उनका जो है रिजल्ट थोड़ी सी देर में आए। लेकिन किन्हें परीक्षा छोड़ना चाहिए यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की बात है दोस्तों। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे यदि आप फरवरी 2021 में परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो जून 2021 में सभी सब्जेक्ट का एक ही साथ दे देंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको एक सलाह देंगे, अगर मेरी सलाह मानेंगे, यदि आप यूजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और यदि आप फाइनल ईयर के कोई भी विषय में हैं, ठीक है, फाइनल ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, फाइनल ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हम एक ही सलाह देंगे, कृपया करके आप परीक्षा ना छोड़ें और कोशिश करें कि फरवरी में ही परीक्षा अपना क्लियर कर लें। इससे क्या होगा कि जो आपका मार्कशीट आएगा उसमें देरी नहीं होगा, और देरी नहीं होगा तो आपका सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचेगा। तो कहीं भी अगर आप दिखाइएगा उस मार्कशीट को तो वे समझेंगे कि 3 साल का कोर्स है और आपने पूरे का पूरा 3 साल में ही कंप्लीट किए। लेकिन अगर पीजी के स्टूडेंट हैं और यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आपको अपने परीक्षा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपको पता है पीजी का जो कोर्स होता है वो 2 साल का है। चाहे कोई भी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमएसओ कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो 2 साल का कोर्स होता है। और यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप परीक्षा ज़रूर से ज़रूर दें, अदरवाइज जो सर्टिफिकेट आपका 2 साल में कट के आएगा वो हो सकता है 2.5 साल या 3 साल तक आपका सर्टिफिकेट का जो है टाइम है वो लग सकता है, जिसमें आगे चल के भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है। कहीं भी अगर आप सिलेक्शन के लिए जाइएगा तो आपसे एक सवाल जरूर पूछेगा, जबकि आपका जो है फाइनल ईयर पीजी का 2 साल का होता है, फिर आपने 2.5 साल या 3 साल क्यों लगाया? इसका जवाब आपको उस वक्त देना होगा कि आपको बताना होगा कि किस लिए आपने पैसा आपने अपने परीक्षा को छोड़े। तो यदि आप फाइनल ईयर के यूजी के स्टूडेंट हैं चाहे पीजी के स्टूडेंट हैं तो आप फरवरी में ज़रूर अपने पेपर को दे के क्लियर कर लें। लेकिन अगर यूजी और पीजी के स्टूडेंट हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप अपने परीक्षा को छोड़ सकते हैं, कोई उसमें जिक्र नहीं है। आप परीक्षा में जो है जब भी आगे उस पेपर को देंगे, आगे जब भी उस पेपर को क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका मार्कशीट आपका रिजल्ट में कंप्लीटेड करके लिख कर आ जाएगा। आप फिर उस वक्त आसानी से अपने किसी को भी दिखा सकते, इस प्रकार से कंप्लीट लिख कर आ जाएगा। तो है ना दोस्तों, काफ़ी रोमांचक और काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो, जो कि काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठ रहे थे, यदि हम किसी कारणवश फरवरी में परीक्षा छोड़ देते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकते हैं, क्या घटना घट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो भी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा,
वीडियो देखने के लिए करते हैं धन्यवाद। मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। यदि फिर भी कोई मन में दिक्कत है तो क्वेश्चन लिखे, खत लिखे, खत का जवाब वीडियो के जरिए जरूर आप तक हम पहुंचा देंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ।